नमस्ते सत श्री अकाल, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पापी पेटम में। आपका होस्ट फैजान शेख। आज मैं मौजूद हूँ गरीब नवाज दरगाह के मेन गेट पे, जो देख सकते हो आप कितना बड़ा है ये गेट एंट्रेंस जो है। तो आज हम आए हैं यहाँ पे शीरमाल खाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स के शीरमाल मिलते हैं, तो उसकी मेकिंग वगैरह देखते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं और उसका टेस्ट आप तक पहुँचाते हैं। तो चलो चलते हैं और चखते हैं। भाई जी, ये शाही शीरमाल होता है, दूध देसी घी काजू बादाम खोई से बनता है। ये नॉर्मल काजू बादाम है हमारे पास, जो कि 35 रुपीज़ ईच होता है। 15-20 दिन कोई भी ख़राब नहीं होता, विदाउट फ्रीज आप इसे इजीली रख सकते हैं। ये 35 रुपीज़ ईच है। एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मल काजू बादाम होता है हमारे पास, जो कि 40 रुपीज़ ईच है। ये 40 रुपीज़ का होता है। एक होता है तिल बादाम, ये तिल बादाम है 50 रुपीज़ का तिल बादाम होता है। ये देसी घी के अंदर डिप होता है, ये तिल बादाम हो गया है। एक ये होता है फुल्ली काजू बादाम, ये होता है फुल्ली काजू बादाम, 80 रुपीज़ पर पीस। ये होता है काजू पिस्ता बादाम स्पेशल, हमारे यहाँ का स्पेशल होता है, 100 रुपीज़ ईच। ये 15-20 दिन कोई भी ख़राब नहीं होता, विदाउट फ्रीज आप इसे इजीली रख सकते हैं। ये अपना मेरठ का मशहूर है, जो कि हम लोग यहाँ पे पिछले दो साल से यहाँ अजमेर सिटी आए हुए हैं। दरगाह के बिल्कुल पास में हमारी शॉप है माशाल्लाह। तो यहाँ जब से आए हुए अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है हम लोगों का, ऐसा नहीं है। कस्टमर माशाल्लाह बहुत हैं यहाँ पे, बाहर के मेहमान बहुत होते हैं, जो कि ज़ियारत करने आते हैं वो शीरमाल लेके जाते हैं माशाल्लाह। तो अपना ये मेरठ में 22 साल पुराना काम है कम से कम, ये 22 साल से अपने मेरठ शहर में चल रहा है, अपने बुज़ुर्ग करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अभी हमारी जनरेशन आई है, तो अभी इसको अलग अलग स्टेट में हम लोग लेके जा रहे हैं। ये हमारा बिस्मिल्लाह शाही शीरमाल, दरगाह बाज़ार, मेन दरगाह बाज़ार बुलंद दरवाजे के सामने हम लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो आप लोग आएँ, जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें, और माशाल्लाह हमारा शीरमाल आप देख ही रहे हैं कैसा बन रहा है। तो आप लोग आएँ, मोस्ट वेलकम।